नहीं उन्नीस बीस के हम जिम्मेदार है ना सर अच्छा। हम इक्कीस देंगे जी ये बच्चों शीशम गुड़े में तैयार किया है बड़ा शानदार पॉलिश करके बड़ा अच्छा लगता है सर ये देखिए हमारा पर्पज सर ये है कि जो हमारे भारत की कला है हम उसको मतलब ये छिपती जा रही है हम उसको ये चाहते हैं कि वो कला हमारी बची रहे हम इसी उस पर इसी पर्पज पे पर हम काम कर रहे हैं अब टीक वुड पे कार्विंग करना थोड़ा आसान इसलिए जी जी सर जी। अगर शीशम में तो शीशम में देखो मैं आपको बताऊं क्रेज तो जी जी क्रेज तो आजकल टीक वुड का ही है मैक्सिमम आपको सामान टीक वुड में मिलेगा लेकिन शीशम वुड पर डिमांड तो बनाते हैं अच्छा। हम सीजनल करते हैं मतलब पहले परचेज करके रख लेते हैं फिर उसमें से काम निकालते हैं देखो पिलर है जो हमने तैयार किया है ये हेलो सर कैसे आप बढ़िया सर आप कैसे हैं एकदम बढ़िया सर तो so, प्लीज कुछ बताइए आपने और अपने इस फैक्ट्री के बारे में सर मैं आज आपको सहारनपुर की सबसे पुरानी फैक्ट्री वुड कार्विंग फर्नीचर में लेकर आया हूँ हम आपको बहुत अलग अलग डिजाइन दिखाएंगे बहुत तरह का फर्नीचर दिखाएंगे डीप कार्विंग लाइट कार्विंग टकाई में कुछ प्रोडक्ट ये दिखाएंगे आप जैसे राउंड बेड है ये ये राउंड बेड हमने टीक वुड के अंदर तैयार किया है ठीक है और डीप कार्विंग में है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डिजाइन है ये दिखाइए करीब से सर इसको जी ये दिल्ली के अंदर सर ये मैं इसकी अगर प्राइस की बात करूं। दिल्ली के अंदर ये सात से आठ लाख रुपए का मिलेगा लेकिन मेरे यहाँ ये ये से साठ से सत्तर कम रहने वाला है। जी। आप पहले तो इसकी डीप कार्विंग की बात करते है सर इसकी डीप कार्विंग की बात करें इसके साइड स्टूल है आप साइड स्टूल देखे कितने शानदार बनाए है हमने इसके पूरा मतलब हैंडक्राफ्टेड है ये जी आप दिखाइए इसको सर और जो हमने इसका ड्रो में हैंडल दिया है ना सर आप नजदीक से थोड़ा दिखाई देखो मतलब बड़ा शानदार दिया देखो कोई नॉब की जरूरत नहीं पूरा लकड़ी का है, है पूरा ठीक है जी जी प्लाई यूज किया है सर पंद्रह का इसमें अच्छा इसका हेडबोर्ड दिखाइए सर आप मतलब कितने शानदार हमने फ्लावर्स इसमें कटिंग की है यहाँ पे

पूरा भर रखा है काम इसमें कोई थोड़ी सी कार्विंग नहीं है जी जी बहुत हैवी कार्विंग है तैयार है। है। जी, जी, किया है जो भी आप मतलब कैसा आपके पास कोई वॉच का फोटो हो हो या साइज हो वो सब कस्टमाइज होता है हमारे यहाँ ठीक है जी इसकी कटिंग देखिए आप फ्लावर्स की कितना शानदार हमने डीप काम किया है पे देखिए इधर से दिखाइए पूरा एक का एक है ये ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ नीचे से हमने कट करके ये देखो बनाया हो जी कोई जोड़ नहीं दिखेगा का हमारे काम में अच्छा जोड़ है पर दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं जी जी है पर दिखेगा नहीं। जी जी और आपको जो भी हम प्राइस बताएंगे वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट का बताएगा आपको तैयार हो मिलेगा उस प्राइस में अब क्या दिखा रहे इसके बाद सर मैं आपको एक और बेड डिजाइन दिखाना चाहूंगा ये एक डिजाइन दिखाइए आप बहुत अगर जी इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ सर साढ़े छ पौने सात फीट का है ये अच्छा जी हेडबोर्ड फुटबोर्ड पूरा टिकुड के अंदर तैयार किया है हैंड वर्क है पूरा और इसकी थिकनेस की बात करूं मैं चार इंच में या साढ़े तीन से चार इंच में है इसकी थिकनेस जी सर देख आप दिखा सकते हैं साइड से जी जी साढ़े तीन इंच में और हमारा पर्पज सर ये है कि जो हमारे भारत की कला है हाँ। हम उसको मतलब ये छिपती जा रही है हम उसको हम ये चाहते हैं कि वो कला हमारी बची रहे हम इसी, इसी पर्पज पे हम काम कर रहे हैं अच्छा। कला बचाने के लिए जी जी अगर इसकी रेट की बात करूं मैं जो मतलब हम रेट हमारे रीजनेबल है रेट रीजनेबल इसलिए है कि अगर हम इस चीज को शोरूम में रखे जाके उसमें तीन गुना ज्यादा मिलते हैं लेकिन हमने फैक्ट्री प्राइस पे ही हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है हमारी होम डिलीवरी देते हैं हम अच्छा जी सर होम डिलीवरी देते हैं और फैक्ट्री प्राइस पर देते हैं पूरा तैयार करके देते जी तैयार करके पूरा विद बॉक्स एक और डिजाइन है ये क्यून साइज है अच्छा ये क्यून साइज है जी जी सर पांच फीट का ही है पर काम आपको हर एक में मिलेगा जी जी काम हर एक में मिलेगा आपको ये कस्टमर की डिमांड पे ही होता है जी जी सर

बहुत मेहनत से बनता है कटाई होती है पहले इसकी देखो कोई भी पत्ती जैसे कटिंग हुई कोई भी टूटी नहीं है दिखा सकते हैं आप नजदीक से जी हा, हा, हा। अगर हम इसके देखो रेट की वही बात है फिर हम कला की बात है हम अपनी इंडिया की जो भारत की हमारी कला है बहुत प्राचीन है हम उसको ये जो छिपती जा रही है ना आजकल क्या छिप रही है वो इसलिए छिप रही है ना क्योंकि आजकल प्लास्टिक और स्टील का ज्यादा काम चल गया इसलिए लेकिन हमने वो छोड़ा नहीं मेरे पापा मेरे उनके मतलब मेरे पापा के पापा सब यही काम करता रहे जी है। तो कितने साल से आप कर रहे हैं ये सर हमारा तकरीबन काफी सालों से है ठीक है जी अब ये बेड के थोड़े ऑप्शन जी एक बेड ये है ये तो पूरा फुल इसमें कुशन भी आता है अच्छा। ये कुसन वाला कुशनिंग होती है यहाँ पे इस एरिया में इस एरिया में जी इस एरिया में, में कुशनिंग होती है बहुत कस्टमर की डिमांड रहती है कि कुशन वाला चाहिए उनका जी ये कुशन वाला बेड है ठीक है इसका डिजाइन देखिए एक बेड ये है फिर डिजाइन का सर ये ऑर्डर है हमारे पास कपूरताला पंजाब का अच्छा जिनका राउंड बेड है उनके ये बेड जाएगा सर ठीक है जी तो बेड की क्या स्टार्टिंग रहती है आपकी कार्विंग फर्नीचर में कार्विंग फर में सर चालीस हजार रूपए दिखा सकते हैं कौन सा जी ने? वो हमारे पास है आइए अब आपको दिखाता है यहाँ पे इतना फर्नीचर है ना जगह भी नहीं है जाने की ठीक है सोफे के पीछे जो रखा हुआ है ये है सर ठीक है ये चालीस हजार से स्टार्टिंग है हमारा देखो इसमें भी काम काफी किया है हमने और टीकुड में ही है ये नेचुरल पॉलिस के साथ विद बॉक्स। मैं पता हूँ कुछ मार्केट में क्या होता है, का क्या होता है। मैं चाहता हूँ लोगों को पता, पर। पर लोगो पता लगे कि ऐसे बैठना अगर बड़ी मार्केट में जाओगे लेने तो ऐसे बेड ना ना करते डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के आते जी सर ऐसे बेड ऐसे छोटी सी कार्विंग कर देगी बस यहाँ पे एक और ऐसे कर देखो सत्तर हजार सत्तर अस्सी हजार रुपए लेकिन हमारे यहाँ चालीस हजार रुपए का फैक्ट्री प्राइस पे चालीस हजार रुपए का ये बेड मिलेगा आपको पूरा कार्विंग वाला विद बॉक्स विद पॉलिश विद 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 कुशन साइड टेबल सर विद साइड टेबल जी सर और बॉक्सेस uh, की साइड में क्या रहेगा वैसे पूरा तो प्लायर नहीं, नहीं नहीं हमारे टीक उड की साइड रहती है डिजाइन की वो भी मैचिंग में नहीं स्ट्रक्चर तो ऊपर प्लाय रहेगा नीचे ऊपर नीचे ऊपर प्लाई रहेगी साइड के जो पल्ले रहते हैं ना वो पल्ले बोलते हैं वो वुड के रहते हैं टीक वुड के डेढ़ डेढ़ इंच के वो टीकुड रहेगा जी टीक रहेगा डिजाइन में अब टीक वुड पे कार्विंग करना थोड़ा आसान होता है थो थोड़ी सॉफ्ट रहती है इसलिए जी जी सर जी अगर कोई शीशम में मांगता है आपसे तो शीशम में देखो मैं आपको बताऊँ तो जी जी क्रेज तो आजकल टीक वुड का ही है मैक्सिमम आपको सामान टीक वुड में मिलेगा लेकिन शीशम उड पे डिमांड बनाते है अच्छा जी शीशम डार्क में जो उसका रिशा था मजा आता हाँ मजा आता देखो आपको बताऊ में पहले के टाइम में अब से मैं पंद्रह साल की पहली बात करूँ शीशम वुड ही चलता था हाँ, लेकिन इसका टिकुड का क्रेज बहुत ज्यादा आ गया टीक लेकिन टीक सर टिकाऊ भी रहती है इसमें अगर ग्रेन्स की बात करें पॉलिसी फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही क्लियर आती है हाँ, टीकूड के अंदर नेचुरल में तो मतलब अगर मैं बोलूँ कस्टमर ठीक है अलग अलग डिमांड रखते हैं अपनी पॉलिसी के लेकिन नेचुरल में अलग ही मजा है सर पॉलिसी का जी 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 अब ये एक बेड दिखाइए आप ये बेड गजरे वाला बेड बोलते हैं इसको गजरे वाला जी सर ये वाला ट्रेंडिंग है मेरे यहाँ <laughs> तकरीबन मैंने ये बेड अभी अभी पिछले दो महीने में सात बेड बेच चुका हूं ये बेड अच्छा ये वाला जी सात बेड बेच चुका हूँ मैं सर ये एक मतलब एक पीस की बात कर रहा हूँ इसकी गजरे वाले बाकी तो सामान ऑर्डर का काफी लगा जी जी ठीक है तो काफी ये... प्यारा सेट है ये सर तैयार का फोटो दिखाऊंगा मैं इसका वो आखिरी में सारी फोटो दिखाएंगे जी जी बेड के ऑप्शंस कितने रहते हैं वैसे आपके पास अगर फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ की सर बेड के तो काफी ऑप्शन है हमारे पास है अब सब सामान दिखाना पड़ता है ना सर वीडियो के अंदर तो, तो थोड़े रखने पड़ते हैं बाकी कस्टमाइज होता है आप नेट का कोई भी फोटो उठा लो सिर्फ आप अगर एक सोफे का हमें एक साइड भी दिखा देंगे तो हम उसको पूरा सेट बना के दे देंगे आपको अच्छा जी ठीक है फोटो दिखा देंगे अगर उससे उन्नीस बीस हुआ तो नहीं उन्नीस बीस के हम जिम्मेदार है ना सर अच्छा हम इक्कीस ही देंगे बीस भी बीस तो बीस हो सकता है लेकिन उन्नीस नहीं मिलेगा अगर जैसे मैंने आपको बोला सर ये बेडमिंग बहुत पसंद आया फोटोग्राफ मैंने आपको शेयर करी ठीक है सर ऐसा सेम चीज है एजेंस बना देंगे बिल्कुल सेम मिलेगा सर आपको अगर इन केस हाँ जी एक हमारा हल्का सा थोड़ा आउट हुआ उससे नहीं लगा मेरे को देंगे तो कर जवान है लेकिन आपके जो आप दिखाएंगे वो आपको मिलेगा आपको नहीं पसंद आता तो हाँ वो अलग बात होती है जब चीज ना क्यों बहुत से स्टोर क्या कहते ठोक के बोलते थे भैया बना देगा पर नहीं बन पाता तो ये फिर कस्टमर थोड़ा वो परेशान होता है इसी कारण मैं चाहता हूँ कोई परेशान ना हो बस नहीं नहीं हम ठीक है अब मैं आपको ये सोफा सेट दिखाइए सर तो ये ये भी। जी काँगे? ये आप काम दिखाइए इसका लेग्स दिखाइए 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 की सर काम पूरा हैंड कार्वेड है वो ही भारत की कला है हम बचाना चाह रहे हैं इसको हर चीज में होता तो सोफा बेड कोई भी आइटम हो वॉच हो डाइनिंग सेट हो सेंटर टेबल हो ये सेंटर टेबल दिखाइए इसके देखो मतलब काम ये कोई मशीन का काम नहीं सर हाथ का काम है ए ग्रेड टीकुड ठीक है जी

तो वो कम ब्राउन रहेगी मतलब थोड़ी जैसे बोलते हैं ना कम अगर वो बिल्कुल सूख गई ना मॉइस्चर पांच परसेंट भी नहीं रहा तो वो बिल्कुल सुरख हो जाएगी आपकी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जो बिल्कुल प्रोडक्ट मतलब... है मतलब सुरक लालीपन में बहुत अच्छा वो अच्छी रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है ये भी देखो बिल्कुल देखो सुरख की तरफ ये बिल्कुल बिल्कुल सूखी लकड़ी लगी जी 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 एकदम सफेद सी सब बी ग्रेड रहती है सर सबसे घटिया खराब लकड़ी नहीं है वो अच्छा लेकिन बी ग्रेड है वो सबसे बेकार कौन सी होती है बेकार तो फिर सर मैं तो बेकार का देखो ना कभी लगे ना मुझे पता अच्छा लगा है <laughs> जी, जी, जी 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 ये अच्छा लगा आपका आ, जी ये दिखाई आप ये स्टार्टिंग प्राइस रहता है में नौ हजार रूपए पर सीट रहता है नौ हजार पर सीट सोफा मिलता है जी मतलब ये ये अलग रेट है सर ये अलग है पर मैं समझ रहा हूँ लेकिन नौ हजार रुपए में ये है कि आपको डिजाइन भी मिलेगा अच्छा और फैब्रिक भी अच्छा और चालीस डेंसिटी की फॉर्म मिलेगी सर उसमें

और डबल कार्विंग है सर ठीक है बैक से दिखा कार्विंग करते करते जी 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 दिखाइए जी 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 पर सीट मतलब कार्विंग, कार्विंग है आगे पीछे दोनों नहीं तो क्या होता है कुछ आगे कार्विंग करते पीछे दिखना नहीं है तो छुपा प्लेन कर देते हैं जी आगे पीछे कार्विंग करके पूरा तैयार करके तैयार करके फोम मुंजी लगाते चालीस डेंसिटी फोम जिंदल लंबाला आप अगर कस्टमर स्लिप वेल लगा, लगाए स्लिप उसका रेट थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा बढ़ेगा जी सर ठीक है कितना बढ़ेगा जितनी गद्दी आती है बस गद्दी का रेट ही ले लेंगे ज़्यादा नहीं शीट में आपको ऐसे तैयार करके पॉलिस ने तो चलो बात हो जाए थोड़ा जी वो कस्टमर देखो डीको कराए ने डिमांड हो जाएगा ठीक है

बनाया था मुझे थोड़ा अच्छा लगा मैं बना कर रख दिया ये सर एक मैं आपको थोड़ा मतलब जब बहुत से कस्टमर आते हैं उनके बच्चों के लिए मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया है ये बोलते हैं पालना पालना जी ये बच्चों शीशम गुड़ में तैयार किया है बड़ा शानदार पॉलिश करके बड़ा अच्छा लगता है सर ये देखिए क्लासिक फील देगा ये हमें हाँ जी मतलब लगता है घर में रखते है ना रॉयल चीज रखी है वो प्लास्टिक के बहुत रखते है लेकिन मुझे कितना देते हैं आप ये सर बारह हजार रुपए का पॉलिश करके बारह हजार में आपको में मिलेगा टकाई वाली कार्यू कार्विंग, बारीक कार्विंग देखो ये बहुत सर, कार्विंग हो रखी है बारह मिलेगा तैयार करके तैयार करके जी जी गद्दी डाल के इसमें नहीं तो आपको प्लाईवुड में जो नॉर्मल मिलते हैं मार्केट में वो कब अठारह 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 मेरा फैक्ट्री रेट है आपके दिखाई ये एक झूला दिखाइए सर देखे टीक वुड में है ये

डार्क आ जाए तो शीशम हो हो गया गया लाइट पीलापन आ जाए तो ये सागवान ऊपर की साइड साइड टेबल रखी हुई है बेड्स की साइड टेबल देखो टीकूडी के अंदर सब अलग अलग, अलग, अलग डिजाइन किए है सर ठीक है एक अलमीरा प्लेन वाली है हमारे पास कस्टमर कभी बोल देते हैं कि प्लेन चाहिए हमें कार्विंग वाला नहीं पसंद है ये हमने हाँ। प्लेन वाली बनाई कोई भी आइटम हो आपका कोई भी डिजाइन हो प्लेन हो कार्विंग हो सब अवेलेबल है हमारे पास कस्टमाइज होगा वार्डरोब का क्या प्राइस रहता है स्टार्टिंग

ये देखिए इसका लैग दिखाइए सर बहुत पूरा टीकूड के अंदर है पूरा हैंड क्राफ्टेड है ये चार फीट की कंसोल है सर चार फीट की जी चार फीट चौड़ाई है और इसकी साढ़े सात फीट हाइट है साढ़े सात फीट हाइट है जी सर साढ़े सात फीट हाइट है ठीक है बहुत अच्छे तो इसमें कितने डिजाइन होते हैं आपके पास इसके इसके डिजाइन काफी है हमारे पास काफी अवेलेबल है

इसके लेग दिखाइए इसका स्टूल के पाए दिखाइए काफी मतलब वो जो विक्टोरियन इटालियन जो लुक रहते हैं ना सर वो वाला है बिल्कुल ये कंसोल विक्टोरियन जी सर तो बिल्कुल मतलब अगर ये फ्रेम यहाँ लगेगा वॉल पे ऐसे ठीक है इसका फोटो दिखाऊंगा कस्टमर ने में जो भेजा था हमने सेम बनाया ये तो आ, विक्टोरियन लोग बताया

पर पॉलिश करके पॉलिश करके देंगे ये एक सोफा दिखाइए आप ये सेवन सीटर सोफा है देखिए आप इसको डीप कार्विंग दिखाइए और इसकी थिकनेस भी चार इंच है सर तो, चार, चार, से भी है। चार इंच हो रही है थिकनेस सर ठीक है मतलब इसके अगर लेग की बात करें लेग दिखाइए सर दस इंच का लेग है इसका दस इंच मोटा थिकनेस जो रहेगी दस इंच रहेगी नीचे से बहुत बढ़िया हाँ जी बहुत ही मतलब ये तकरीबन मेरा जो बना है डेढ़ महीने में तैयार हुआ है सर ये ऑर्डर का ये खाली कार्विंग कार्विंग में इसकी तैयार की बात करूँ हाँ, तैयार आप इसका फोटो दिखाइए तैयारी ऐसा लगता है सर मैं एक बार कुछ कम्पेयर करूंगा कम्पेयर करिए आप सर कार्विंग का अगर यहाँ से यहाँ देखे आप तो आप लोग स्क्रीन लेके थोड़ा रोक के देख सकते है ठीक है बढ़िया सेम है से सर जी तो ये हमने हमें हमारे पास फोटो आया था हमने ये तैयार किया है ठीक है बहुत काफी हेवी है काफी हेवी है जी बहुत सर ह्यूज है सबसे हेवी सोफा है सर ये महाराजा सोफा उसके साथ की चेयर है सिंगल हाँ, सिंगल चेयर ही है देखो इसकी मतलब डायमेंशन देखो आप कंफर्ट सीट है सर कंफर्ट एक बार आप इसके बीच में आइए एक बार बैठिए एक बार बंदा छुप जाएगा इसके अंदर बंदा छुप जाएगा इसके अंदर इतनी चौड़ी है जी सर कम्फर्ट साइज रखते हैं हम ये आपने जैसे एज इज जैसे बाहर निकले हुए थे फोटो में ये वाला हिस्सा ये आपने बाहर निकाल जी सर मतलब ये चीज बताती है कि आप यहाँ पर जैसी चीज बोलेंगे वैसे बन जाएगी हाँ जी सिंगल जो आप दिखा रहे हैं देखो सिंगल का भी ठीक है ठीक है सर साथ में टेबल्स भी आते हैं जैसे ये सी के साथ टेबल हाँ इसके साथ की लगा सकते हैं या और डिजाइन की बना सकते हैं

जैसे पहले तो ये रोकिंग की बात करते हैं पहले जैसे जी सर बताइए ये रोकिंग चेयर टीकुड के अंदर तैयार की सर हमने डिजाइन दिखाइए हमारे पास बहुत डिजाइन में अवेलेबल है रोकिंग चेयर ये ये लेकिन ये ये हाँ जी ये दस हजारुड में सर अगर शीशम वुड की बात करूँ तो उसके उसमें छह हजार रूपए की हमारे शीशम वुड रहेगा शीशम वुड रहेगा जी वुड रहता है

उन्हें रेट लगते हैं सही और हमारा काम दिखता है कैसा है तो फोन पे हमें हाफ पेमेंट देते दे हैं फिफ्टी परसेंट उस पर हम उनका ऑर्डर तैयार करते हैं जब तैयार हो जाता है फिफ्टी परसेंट तब करते हैं यहाँ से हम डिस्पेज कर देते हैं पैकिंग की बात रही पैकिंग का हम एक पैसा नहीं लेते सर अच्छा नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात पैकिंग फ्री है और पैकिंग भी ऐसी है मैं अभी कॉल लगाऊँ आपको आंध्रा के हमारे कस्टमर है बहुत अभी गई है उनसे पैकिंग पूछ लो आप कैसे देते हैं आठ एम एम की हिटलोन में पैकिंग कराते हैं अगर जरूरत पड़ती तो फट्टी की पैकिंग गुड़ की पैकिंग भी देते हैं अच्छा, माल भी से भी। पहुंच जाए हजार दो हजार तीन हजार की कोई बात नहीं है सर हमारी अच्छी चीज देगी तो हाँ जी हाँ जी, जी। बेस जी 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 अगर अगर स्क्रेच आ गई तो कस्टमर हमें फोन करता है हम वो काम करते हैं सामान से पहुंच तीन लाख चार लाख का दो चार हजार का लालच हम करते आ, नहीं। कुछ लो कहते हैं देख लो कोई बात नहीं वीडियो कॉल करके अपने, या विजिट करके अपने सामने लगवा लो जो बात हुई लेटर पेड जो हम लिख कर देंगे वो अपने सामने देख लो मिलेगा जी वही मिलेगा सेम चलो क्योंकि बहुत दूर से आएंगे तो कुछ लोग डरते हैं यार कि जेनवन है या नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई नहीं देखो यकीन भी कोई चीज होती है सर बास बास। हाँ यकीन करोगे तो चीज मिलेगी ठीक है यकीन बोलिए बोलिए जी जी यकीन नहीं करोगे फिर देखो कोई बात नहीं कितने कितने अच्छा दे लो एक ये रूम चेयर सेट है सर इसकी ये टेबल दिखाइए आप बड़ी शानदार टेबल इसके ऊपर मिरर आता है दो बाई चार की टेबल है पॉलिश करके बड़ी शानदार लगती है इसकी जी ये चेयर है रूम चेयर दो आर्म वाली ये चेयर कितने की है ये चेयर सर बारह हजार रूपए की तैयार करके ठीक है तैयार करके करके तैयार कर को

बहुत सुंदर तो इसके कितने ऑप्शंस रहते हैं आपके पास जी इसके कितने काफी ऑप्शन है सर काफी जैसे ये रेक्टेंगल है फिर ओवल टाइप में भी डिजाइनिंग रहता है दूसरा सर्किल में भी रहता है जो सर्किल होता है साइज फिर कस्टमर अपनी डिमांड पर रहता है चार दो च, चार चेयर का छह चेयर का आठ चेयर का वो सब कस्टमर फोर सीटर क्या स्टार्टिंग प्राइस फोर सीटर की मैं बात करूं आपको मेरे पास जो है पैंतीस हजार रूपए का मार्केट में बहुत चलती है ये वाली चेयर मार्केट की ये चेर का। चेर इस का करो ना डीको में तो ये तेरह हजार रूपए की सर डीको में हाँ जी लेकिन ये चेयर मैं आपको मतलब अगर सस्ती कहीं से मिलेगी आपको छ हजार की भी अच्छा लेकिन इसका जो बनाने का इसकी आप लाइनिंग देखिए और इसका लकड़ी देखिए फिनिशिंग देखिए बस देखो फिनिशिंग सर अगर ध्यान दोगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी जो चीज दो दिन में हो रही है वो हम आठ दिन में कर रहे हैं इसकी लाइनिंग देखे इधर देख उधर कोई भाग ही नहीं मिलेगी आपको हाँ, एकदम ये ये अगर, ये अगर इस बीच का देखे, कि हाँ जी। इस कितने mm का है या कितने इंच का है वही सेम मिलेगा सेम बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है वो मैं बता तो रहा हूँ सर कॉस्ट इसलिए बढ़ती है आप कितना अच्छा करा लो लोसा हाँ रेट हमारे भी लेकिन है आपको फैक्ट्री प्राइवेट मैनुफेक्चर ये टेबल है सर जैसे रूम चेयर है जो भी सेट सर ये मुड़ा है। देखो उसका काम देखो सर कितने का आता है ये कितने का आता है ये तकरीबन वही हम देते हैं ग्यारह हजार रूपए पर सीट ग्यारह हजार पर सीट और उसमें खाम चेक करिए देख लो काम देखिए पॉलिश आपके हिसाब से जैसा आप बोले क्लियर नेचुरल या पी ओ डी को जो जी 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 हाँ, हाँ वो उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा ठीक है ग्यारह हज़ार पर शीट में आपको ये सोफा मिलेगा और एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी आपसे जी सर अभी वर्कशॉप आपकी चलेगी वहाँ दिखाएंगे ना वर्कशॉप हाँ जी, जी जी वहाँ मैनुफैक्चरिंग यूनिट चलेंगे हम तो उससे पहले आपकी जो मेरे को कैटलॉग दिखा रहे थे वो दिखाते हैं आपकी जी सर जैसे मैं आपको हमने एक सोफ़ा बनाया था हमने ये तैयार किया था देखो यहाँ पे ठीक है बहुत सुंदर ठीक है, है अब ये जब कस्टमर के घर पे गया ये गाड़ी गई थी मिजोरम का नंबर है देखो ठीक ऐसे, जी, ऐसे पाक जी जी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं थी, देखो, ये सोफा फिर रखा है इनके है। मैं ये अपनी तो अगर आपको घर आप पे रख के ऐसा लगा है जी 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 ये सर मैं आपको टेम्पल दिखाता हूँ मंदिर जो हमने टीक वुड में तैयार किया है वुड में सॉलिड वुड जी जी टीक में तैयार किया है पूरे और डीप कार्विंग हेड कार्विंग्विंग टीकूड में दिखाइए अलग अलग साइज के दोनों टेम्पल्स जी तो? ये साढ़े तीन फीट का है और साढ़े चार फीट इसकी हाइट है पौने पांच फीट अच्छा। एक ही ढाई फीट का टेम्पल है हमारा इसकी चार फीट हाइट है सर बाकी कस्टमर कस्टमाइज करा सकता है अपने डिमांड पर साइज सेफ डिजाइन जो भी इसमें ये एक पूजा के लिए हमें ट्रे थाली दी है ट्रे के लिए जी और इसमें भी सर ठीक है तो जैसे वो छोटे वाला मंदिर रखा है ये वाला हाँ जी इसकी हाइट क्या बताई आपने इसकी चार फीट हाइट है चार फीट हाइट है साढ़े चार साढ़े चार फीट हाइट इसकी हाई और कितने पूरा काम है अच्छा कम बेड उससे एक राउंड डाइनिंग टेबल दिखाते है बहुत ही शानदार साढ़े चार फीट का डाइनिंग तैयार किया है हमने फोर चेयर का है और इसमें देखो घूमने वाला एक हमने बीच में ये लगाया है का बहुत सुंदर बहुत जी का हैंड कार्वेट है पूरा अभी फोल्डिंग रखा हुआ है इसके अगर मैं बेस की बात करू आप बेस दिखाइए सर जी मतलब पंद्रह इंच का बेस है इसका सर पूरा हैंड ठोस ठोस सॉलिड है इंच इंच का इंच का यहाँ है है से अगर देखा तो जाए पूरा एक एक लकड़ का का तना है, है, पूरा ठोस है सर सॉलिड है अंदर से कोई कार्विंग करी करेगा जी जी उस पर कार्विंग की है हमने तो सोचे वेट क्या रहेगा इसका वेट तो सर इस पे दो आदमी उठाते हैं जी साढ़े चार फीट का है फोर चेयर का है सर ये जो रिवॉल्विंग अभी तक हमने देखा है ग्लास का देखा है जो ऊपर अलग से रखा जाता है या पत्थर में देखा है हमने अच्छा। एक सागवान के अंदर टीकुड के अंदर टीकुड के पूरा हैंड है, है। आइए मैं आपको ये सोफा कम बेड दिखाता हूँ अच्छा ये ये देखिए सर सोफा कम बेड है छ पाँच छे साढ़े पाँच का सर ये छे साढ़े पाँच

ये अगर इस मैं इसकी वृत्त की बात करूँ तीन फीट चौड़ी है सर ये अच्छा जी तीन फीट चौड़ी है और लाइन देखिए आप इसका तैयार है, है। बाकी सिंहासन के बहुत डिजाइन अवेलेबल है कोई भी डिजाइन आप सेंड कर सकते हैं और कस्टमाइज करा सकते हैं कस्टमाइज करवा सकते हैं जी जी अपनी फोटोग्राफ शेयर करिए सर से एज एट इज वैसा बना बड़ा बहुत बड़ी बात बोली थी अभी की बीस से इक्कीस होगा बीस से उन्नीस जी जी सर

तो आपने कह रहे कि कस्टमर ने फोटोग्राफ करती, वो, बनाई आपने। हाँ जी, वो उन्होंने लेग्स के साथ दिया था हमें बोला कि तीन चेयर तो ये बनानी लेग्स वाली एक हाँ। रिवॉल्विंग हमने देखो तीन चेयर तो उनकी बना के भेजी थी लेग वाली फिर एक ये भेजी थी फिर हमने दो बनाई थी अपने लिए तैयार की थी क्योंकि इसमें विंग्स है ना ये देखो विंग्स कितने की ये सर तेरह हजार रूपए की तैयार करके तेरह हजार रूपए जी डीको में

टीक वुड में पूरा एक अच्छे में कंसोल दिखाना चाहता हूँ ये कंसोल दिखाइए आप इटेलियन लुक है पूरा इस कंसोल के लेग दिखाइए आप बारीकी दिखाइए इसकी नीचे से जी मतलब अगर वेट की बात करूँ मैं इसमें देखो आप वेट देखो इसमें तो काफी हल्का काफी लाइट वेट है हल्का लाइट वेट की है सर ये अच्छा जी बड़ी खूबसूरत है ये सर वो देखिए आप ये

जैसे ये हमारी घड़िया लगी है क्लॉक लगी है जो भी आप बोलेंगे सब वो कर देंगे जी सर अब जल्दी चलते हैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पर और आपके मैनुफेक्चर यूनिट पर okay. चलिए सर फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं अपने मैनुफेक्चरिंग अब यहीं से दिखाता हूँ एक डाइनिंग टेबल टीकूड के अंदर है ओवल टाइप में सिक्स चेयर डाइनिंग टेबल है जी ओवल टाइप में दिखाइए आप काम दिखाइए देखो सर हैंड कार्वेड है पूरा ठीक है जी बेस इसका बेस दो लेग लगाया हमने थोड़ा मतलब बहुत पुराना डिजाइन है ये वाला

सर इसका ये 22000 रुपए का तैयार है 22000 रुपए का काम बताइए भाई तीन ड्रॉ है सर देखिए तीन हैंडल भी लकड़ के बना है हैंडल भी लकड़ के इसमें तीन ड्रॉ कार्विंग हर तरफ मिलेगी आपको फ्रेम भी पर... देखिए कितना शानदार है काम तो मतलब 22000 में ड्रेसिंग टेबल मिलेगा और काम पहले देखिए वो भी सॉलिड रूट में मिलेगा आपको जी जी

वो इस वजह से आता है जो फर्मे रहते हैं ना हम फर्मे तैयार करते हैं पहले अच्छा कस्टमर ने जैसे हमें कोई भी डिजाइन भेजा तो हम उसका फर्मा तैयार करते हैं पहले पेपर पे देखे जैसे ये हो रहा है सर यहाँ दिखाई जैसे फर्मा तैयार हो रहा है देखो ये फर्मा पूरा हाथ हाँ, हाँ से बनाया गया पहले फिर प्रिंट होता है फिर वुड के ऊपर ये चिपकाया जाता है पहले करा जाता है हाँ जी जी ड्रॉ करा जाता है हाथ से सब देखो ठीक है इस हिसाब से ये फर्नीचर आपका हर बार सेम बनता है क्योंकि

तो हमारे साथ सहयोग करिए क्योंकि इंडिया की जो कला है भारत की जो कला है वो छिपती जा रही है हम उसको बचाने के लिए देखो पूरा हैंड कार्विंग कर रहे हैं आप हमारा साथ दी ठीक है सर और हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं ये देख आप ये किया है हमने सब जी ठीक है तो मतलब ये जो कार्विंग फर्नीचर अब थोड़ा छुपता जा रहा है जी जी सर लोग आजकल सॉलिड वुड छोड़ के अपना फाइबर में आ रहे हैं फाइबर में आ रहे हैं ठीक है उसी उसी को बचाने के लिए हमने वो ये इस पर काम पे लगे हुए हमारे जो ऑर्डर आ रहे हैं ये सजेस्ट भी करते हैं कस्टमर कस्टमर पूछते हैं कैसा रहे है, कैसा आ, नहीं आ, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप डीप कार्विंग जैसा जो भी पसंद हो लेकिन कार्विंग जो कला है हम मोर बहुत मोर बनाते हैं हम डिजाइन में हाथी बनाते हैं शेर बनाते हैं ये सब कला है भारत की पुरानी कला तो उसको बचाने के लिए हम तैयार कर वही कह रहा हो कि फाइबर वाले में मेहनत थोड़ी कम है जी निकाला बना वो तो सब जो हाथ से है मुझे आप यहाँ से रॉयल फर्नीचर वुड का फर्नीचर एक रिलायबल, रिलायबल 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 फर्नीचर लेना चाहते हैं तो प्लीज देखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए यहाँ पर आपको फैक्ट्री प्राइस पर फर्नीचर मिलेगा मार्केट से सिक्सटी टू सेवेंटी आपको कम प्राइस अगर कुछ भी लेना चाहते हो तो वो कारविंग आप विजिट कर सकते हैं हैं या देख पर कर सकते तो धन्यवाद मुझे अपना टाइम मिला दन्यौन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप अगर किसी प्रोडक्ट या फर्नीचर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रोडक्ट पर वीडियो जल्दी लेकर धन्यवाद